हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम रजिस्ट्री की हेल्प से विंडोज 10 कंप्यूटर में कार्टाना को किस तरह से कम्प्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर टास्क बार में हमारे पास ऑप्शंस है कि जहाँ से हम कुछ सर्च कर सकते हैं। उसके एग्जैक्ट बाजू में हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस है टॉक टू कार्टाना। अगर आप कार्टाना को यूज़ करना चाहते हो तो आप वो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सो हम इस वीडियो में उसे डिसेबल करना चाहते हैं। सो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ रैगेडिट। ओपन करते हैं रजिस्ट्री एडिटर कंसोल को, क्लिक करते हैं यस के ऊपर और कंप्यूटर के अंडर में आपको एक्सपांड करना है एज की लोकल मशीन को। उसके अंदर आपको एक्सपांड करना है सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक्सपांड करना है पॉलिसीज को। पॉलिसीज के अंदर एक्सपांड करना है माइक्रोसॉफ्ट को और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको एक्सपांड करना है विंडोज़ को। यहाँ पर आपको एक की मिलनी चाहिए विंडोज सर्च करके। अगर वो की वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आपको मैन्युअली विंडोज सर्च नाम की एक की क्रिएट करनी है, जिसके लिए आपको राइट क्लिक करना है विंडोज की के ऊपर, यहाँ से सिलेक्ट करना है न्यू और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है की। इस की को आपको नाम देना है विंडोज सर्च। याद रहे विंडोज सर्च के अंदर डब्ल्यू कैपिटल में होना चाहिए और सर्च के अंदर एस का कैपिटल होना जरूरी है। जैसे आप विंडोज सर्च की क्रिएट कर लेते हो, आपको अब यहाँ पर एक नया DIV32 वैल्यू क्रिएट करना है। उसके लिए आपको विंडोज सर्च के ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है न्यू और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है DIV32-bit वैल्यू, जिसको आपको नाम देना है अलाउ कार्टाना। ओके, सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर ए कैपिटल होना चाहिए और सी कैपिटल होना चाहिए। इसकी जो वैल्यू आपको सेट करनी है वो होनी चाहिए 0। इस कंसोल को हम क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट 0 ही है और अब हमें हमारे इस कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करना है। ओके, वापस लॉग इन कर लेते हैं। सो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शंस है टाइप हियर टू सर्च का, यानी कि हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस था कार्टाना का वो ऑप्शंस अब यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि उसे हमने रजिस्ट्री से डिसेबल कर दिया है। मैं वापस ओपन कर लेता हूँ रजिस्ट्री। क्लिक करते हैं यस के ऊपर और अगर आप वापस कार्टाना चाहते हो तो आपको सिंपली ये जो एंट्री है उसे आप यहां से डिलीट कर सकते हो या फिर इसको मॉडिफाई करके आप कर सकते हो 1। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है और रिबूट के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इस कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन करोगे तब आपको यहां पर वापस कार्टाना मिल जाएगा। सो इस तरह से हम विंडोज 10 कंप्यूटर के अंदर रजिस्ट्री की हेल्प से कार्टाना को कंप्लीटली डिसेबल कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you for watching this video.